इन्होंने यहाँ पर लोगों ने ज्यादातर फ्रॉडपंथी फैला रखी है, ऐसे यहाँ पर ये सब यही फैला रखा है इधर ही। सो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, स्वागत है आपका ओजी ट्रैवल के एक नए एपिसोड में। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जो जहाँ मेरी लोकेशन है यहाँ से अराउंड तकरीबन है 10 किलोमीटर, एक विलेज है तरना विलेज। सो मैं उधर से एंट्री लूँगा, मोस्टली लोग दूसरी साइड से जाते हैं, मेरे यहाँ से वो भी पास पड़ रहा है, तो मैं उधर से ही जाऊँगा तरना ब्रिज से। और अब आपको मिलता हूँ सीधा मैं डबल डेकर रूट ब्रिज के पास में। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ यहाँ की एंट्री पर लिविंग रूट ब्रिज के पास डबल डेकर। बट द थिंग इज, इन्होंने यहाँ पर लोगों ने ज़्यादातर फ्रॉडपंथी फैला रखी है। जो पार्किंग चार्ज है वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि कितना चार्ज करेंगे, और सब्जी का है 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, यहाँ पर चार्ज कर रही है 40 रुपीज़। और अगर तुम बैग रखोगे तो बैग रखने के 30 रुपये अलग, और हेलमेट रखने के 20 रुपये अलग, इनका अलग चार्ज चल रहे हैं यहाँ के। हाँ सर, हाउ मच? 40 रुपीज़ फॉर बाइक पार्किंग, बट कैन शो मी योर कैटलॉग? यू कैन चेक द मेन वन हियर, यू कैन सी दे डिडंट मेंशन द प्राइस लिस्ट, लाइक the two wheeler how much, four wheeler is how much, 40 rupees and 60. But they will mention your on pan 40 rupees, 40 rupees for bike parking pan. The whole day, whole day, yeah, whole day, yes, whole day, yeah. ऐसे ही यहाँ पर ये सब यही फैला रखा है इधर ही सब चीज का। और बाकी मैं तो पे कर दूंगा, लेकिन आप आओ ना, हमेशा केयरफुल रहना। गाइस, फाइनली एंट्री कर ली है मैंने अंदर, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्रॉडपंथी चल रही है कि अपने दौरे से रेट लिख दो किसी पे भी, और ये ना गवर्नमेंट से ऑथराइज है ना कुछ, बोलते हैं कि गांव से ऑथराइज है। और रही पेमेंट की बात, अंदर जाते उधर वो चार्ज लेंगे वो, और एक उधर से नीचे गए इधर से। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर आओ जेब में कैश रखना, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते यहाँ पर। और अराउंड 3000 स्टेयर्स है जो नीचे जाना है, आपको दिखाता हूँ। ये स्टेयर्स है जो सीधा जा रही है नीचे को, और अभी टिकट नहीं लिया है, बाकी नीचे जाकर टिकट लेंगे, फिर बताऊंगा कितने का टिकट है। सो गाइस, यही स्टेयर्स है जो नीचे जा रही है, और मैं यहाँ पर अभी तक जितनी भी जगह पर गया हूँ, कहीं पर भी मेरे से बैग चार्जेस वगैरह नहीं मांगा इन्होंने, लेकिन यहाँ पर आकर सब बैग चार्जेस लगेगा, हेलमेट चार्जेस लगेंगे रखने के। और भाई, कोई ऐसी सिटी थोड़ी है कि हाँ तुम हर चीज़ के चार्ज ले रहे हो, नॉर्मल रहो। बट ये बोल रहे कि हमारे गांव के रूल है, और मैंने बोला इनसे कि गांव के रूल है तो गवर्नमेंट को कुछ जाता होगा, उन्होंने बोले नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, हमारे खुद के रूल है। अच्छा, सही है। और इन्होंने भैया अलग ही फर्जी बार चला रखा है यहाँ पर अपने रूल बनाकर, अब बोलने की तमीज़ है नहीं किसी को, ऐसा बात करते हैं बस आएंगे पर्ची काटने लग जाएंगे। और अभी तो भाई 100-150 सीढ़ी भी ना हुई होगी, देखते हैं। ये देखिए, ये स्टेयर्स है, नीचे चलता हूँ यार। अब लगता रहा है मैं पानी की बोतल और लाना भूल गया। 3000 सीढ़ी, फिर अभी उतरनी है, फिर चढ़नी भी है सारी। भाई कते खड़ी सीढ़ी आ रही है यहाँ से, तो
छोटी छोटी सी है, देखो मेरा शू भी बाहर निकल रहा है, काफ़ी छोटी स्टेयर्स है। और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस, ये वाली तो स्टेयर्स यहाँ पर ही ख़त्म हो रही है ना, और आगे का पता नहीं, आगे और कितनी स्टेयर्स आएंगी, मुझे तो लगता नहीं है अभी 3000 सीढ़ी उतरे हम। लेट्स सी, या अभी नहीं है 3000 नहीं हुई है, अभी 2000 समथिंग हुई है, 2000 2500। गाइस ये वाला रास्ता जा रहा है लॉन्ग रूट ब्रिज के लिए, और अभी इस रास्ते पे चलता हूँ मैं। सो गाइस ये है सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, ये भी इधर ही है डबल डेकर रूट ब्रिज के पास में, ये पहला पड़ जाता है उसके बाद में पड़ता है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। और ऐसा कुछ स्पेशल यहाँ पे है नहीं, बाकी नीच में वो लगा रखे हैं लकड़ी वाला की बीच में, ये मैन मेड है सारा, और साइड साइड में ये रूट्स है ना। आपको लास्ट तक जाता हूँ तो दिखाता हूँ मैं, ये थोड़ा सेक भी कर रहा है, जिसमें पहले गए थे उसमें नीचे पूरा बिछा हुआ था, एक मट्टी टाइप में गिरी हुई थी, और ये भी ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर फिनिश हो रहा है, इधर फिनिश है, एक नीचे रास्ता जा रहा है बट मैं जाके क्या करूँगा। और यह है सारा लिविंग रूट ब्रिज। अब थोड़े आप सिनेमैटिक व्यूज एंजॉय करो। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इन्होंने इधर भी एक लिविंग रूट ब्रिज बिछा रखा है, ये वाला जगह, ये सारा एक लिविंग रूट ब्रिज है बट आई थिंक रेडी नहीं है, और इसलिए वहाँ पर कोई जाता नहीं है, बाकी ये ही चालू है अभी। और अब चलता हूँ मैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए, और देखते वो कैसा है। यहाँ के लिए 300 रुपये लिए, पता नहीं उसके लिए अलग चार्ज होंगे या नहीं होंगे, अब होंगे या नहीं होंगे वो तो मैं आपको जब भी बता दूँगा। जब अब जा रहा हूँ उधर ही डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए, और यहाँ पर ये ख़त्म होता है, यहाँ से आगे कुछ नहीं है। सो गाइस ये जा रही है सीढ़ी डबल डेकर ब्रिज के लिए, जहाँ मैं अब जा रहा हूँ। दोनों का आई थिंक अलग अलग चार्जेस है इनके, सिंगल डेकर के अलग लेते हैं 30 रुपये, इसके पता नहीं कितने लेंगे, 40 लेंगे, मे बी 40-50 रुपये। चलते हैं, क्या करें, और मेरे पास नहीं है फिलहाल कैश, और ऑनलाइन ये एक्सेप्ट नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं रहते यहाँ पर, फिर भी एक बार कोड तो लगाना चाहिए ना, इंडिया यार हर चीज़ डिजिटल है, तो ये पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं कितनी सीढ़ी चलनी पड़ेंगी डबल डेकर के लिए। ओके अब मिलता हूँ आपको सीधा वहीं डबल डेकर ब्रिज के लिए। जब आप डबल डेकर ब्रिज के लिए जाओगे, उससे पहले भी एक ब्रिज आएगा जो लोहे से बना हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये है वो ब्रिज जो उससे बना है लोहे से, और
थिंक इसमें भी मैक्सिमम कैपेसिटी दिख रही है क्या, देखता हूँ मैं। इस पे तो लिख नहीं रखा मैक्सिमम कैपेसिटी, ये है गाइस वो ब्रिज। है काफ़ी पतला है यहाँ से, और नीचे बस सरिया लगे हुए हैं। कितने होंगे, 3, 3, 6, 2, 8 सरिया लगा रखे हैं ऐसे, बाकी लोहे के पत्ते लगे हुए सारे में। ये प्रॉपर लोहे से बना का बना हुआ है ब्रिज। ओके अब इस पर चलता हूँ, ये जा रहे हैं अभी। फाइनली मैं उतर रहा हूँ उस ब्रिज पर, और बाकी सारे ब्रिजों की तरह ये भी काफ़ी हिल रहा है, और दिखाता हूँ आपको। देखिए हिल रहा है काफ़ी, और ठीक है। बाकी ये देखो बीच बीच में से ये तार टूटे हुए ना, गलती से पैर किसी का चला गया तो पैर सीधा नीचे जाएगा, तो जब भी आप इस पर चलो तो सावधानी से चलना। ये देखिए ये टूट रहा है सारा यहाँ से, फाइनली मैंने तो कर लिया पार। अब ये स्टेयर्स जा रही है ऊपर की तरफ, अब सीधा चलते हैं यहाँ से ऊपर। सो गाइस यहाँ पर एक और ब्रिज आ गया है, ये है वो ब्रिज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको पार करना है, अब फिर आगे निकलना है। यहाँ पर थोड़ी वार्निंग लिखी हुई है कि नो विजिटर आर अलाउड ऑन एंट्री इनसाइड ऑन संडे। संडे में कोई भी विजिटर अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए, और आज तो संडे है नहीं तो हम तो चल सकते हैं। सो हम चल रहे इस ब्रिज पर। जो वो दूसरा वाला ब्रिज है ना, जो सिंगल डेकर ब्रिज है, वहाँ से भी आधे घंटे की और ट्रैक करके तो ये डबल डेकर ब्रिज पर पहुँचते हैं। सो अब चलते हैं उधर ही। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप आओ ना यहाँ पर तो बोलते हैं कि गाइड ले लो, गाइड ले लो, पर गाइड मत करना, जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि खुद ही रास्ता मिल जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है रास्ता ढूंढना, मिल जाएगा आपको भी रास्ता। तो गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने वाली बात होगी गाइड लेने, इसलिए खुद ही ट्रैवल करो, खुद ही जाओ। एक और है यहाँ पर सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, यहाँ तक पहुँच गए, ये आपको दिखा दूँ मैं। ये है सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, एक और पता नहीं कितने बना रखे, डबल डेकर है उधर, ये वाला डबल डेकर है, ये आपको दिख रहा होगा। सो अब चलते हैं सीधा डबल डेकर। सो गाइस ये है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, एक है जाने का एक है आने का, भी ये दोनों वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर एक ऊपर से कनेक्ट हो रहा है पूरा वहाँ से वहाँ तक। आप चाहो तो इसमें नहा भी सकते हो, और आपको दिखाता हूँ इसमें फिशेस वगैरह काफ़ी सारी है। देखिए यहाँ पर लोग बाग पैर अपने उसमें एक पूल है उसमें डाल के बैठे हुए हैं, जो फिशेस वगैरह आई थिंक वो कुछ भी करती होगी, जैसे आपने देखो मॉल वगैरह में होता है ना कि पैर डाल लेते और वो खाने लग जाते हैं, जो मतलब डस्ट होता है हमारे पैरों पर, तो वही यहाँ पर एक तरह से हो रहा है, डस्ट टाइप के आ रहे हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन वाटर है इसका भी। और अब एक बार चलते हैं ऊपर की तरफ डबल डेकर। सो गाइस मैं खड़ा हूँ फाइनली डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के ऊपर। ये ऊपर वाला पोर्शन है जिस पर मैं खड़ा हूँ, एक नीचा पोर्शन है। और ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, ये लकड़ी के फट्टे डाल रखे हैं सारी जगह। और यही है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। अब इस रास्ते से आते हैं और दूसरे वाले रास्ते से जाते हैं वापस। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो रास्ता जिससे वापस जाते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला। और अब बस यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा शिलोंग। मैं आपको बता देता हूँ परसों मेरी फ्लाइट है 27 को, और गुवाहाटी से न्यू दिल्ली के लिए। फिर मैं शिलोंग जाने के बाद फिर मैं निकलूँगा गुवाहाटी के लिए, फिर एक नाइट वहाँ पर ही स्टे करने के बाद फिर निकलूँगा मैं दिल्ली के लिए। सो बस यही था यहाँ पर इस पूरी जर्नी में। और सबसे पहले लोग बाग इसी को कवर करते हैं, बट मैं सबसे लास्ट में कवर कर रहा हूँ डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ओके कमेंट में बताना मैंने सबसे पहले क्या करा था, है ना। और बाकी अब हम यहाँ से निकलते हैं। चलो ओ हाँ, यहाँ पर एक रेनबो वाटरफॉल भी है। आपको मैं एक स्टेयर्स पर चढ़ने का बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप नॉर्मल स्टेयर से ज़्यादा चढ़ पाओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे देखना है स्टेयर्स को, और स्टेयर्स को देखते देखते नाक से सांस लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है। सो नीचे देखो, नाक से सांस लो और नाक से ही निकालो, और ऊपर देखो ही मत, और चलते चलो पास। आपकी मंजिल कब आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सो ऑलवेज डू लाइक दैट। मुंह से सांस लोगे ना तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, तो थकावट ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि हमारा जो दिल है वो जल्दी जल्दी धड़कता है। फिर अब देखो मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी सेम होने लग गया। सो आप क्या करो, नाक से सांस लो, छोड़ो, नीचे देखो, चलते चलो। बस यही ट्रिक है सबसे ईजी जो आपको जल्दी पहुँचा सकती है। और अब मैं चलता हूँ सीधा पार्किंग की तरफ। सो गाइस अब चलते हैं सीधा शिलोंग। यहाँ का तो हो गया कंप्लीट, यहाँ का तो हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं शिलोंग, फिर कल निकलते हैं दिल्ली के लिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना।